फ्रेंड्स, आज बनाने वाले हैं पुलाव गोश्त। तो सिंपल सा मैं चिकन बनाऊंगी। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दिया है। सबसे पहले सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनता है, बड़ा एक चम्मच सरसों का तेल ले लिया है मैंने। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। कुछ खड़े मसाले, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, चार लौंग है, दालचीनी आधी चम्मच, जीरा, और इलायची के मैंने मुँह को खोल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, देखिए बिल्कुल धुआं निकल रहा है। खड़े मसाले डाल देंगे, दो तेज पत्ता भी साथ में, चार प्याज मैंने काटा है मीडियम साइज का। प्याज को ब्राउन कर लेंगे। लौंग मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि इसका जो फूल है ना, ये बहुत जोर से चटकता है, तो या तो बाद में डालें या इसका जो फूल है उसे तोड़ लें। तो प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। चिकन मेरा तीन पाव है, तीन पाव से थोड़ा ज़्यादा ही है। आलू क्योंकि देर से गलता है, तो आलू भी हमारा प्याज के साथ फ्राई हो जाएगा। प्याज हमारा ब्राउन हो गया फ्रेंड्स, और ये देखिए आलू भी फ्राई हो गया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चिकन डाल दिया मैंने, प्याज के साथ अब चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा 1 केजी कर दिया है चिकन। मैं थोड़ा सा फ्राई निकालूंगी, मेरा बेटा बहुत पसंद करता है फ्राई किया हुआ, तो मैंने थोड़ा और चिकन डाल दिया है। तो अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, तब मैं थोड़ा सा चेंजिंग करूंगी। अब इसमें हरी मिर्च मैंने 4 काट के बारीक और डाल दिया है, नमक, पाँच मिनट की जगह मैं 10 मिनट इसे फ्राई करूंगी, क्योंकि थोड़ा इसमें से मैं फ्राई किया हुआ निकालूंगी बेटे के लिए। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया है फ्राई करते हुए। मक्खन डाल ली हूँ, वो इसलिए डाल ली हूँ कि थोड़ा फ्राई किया हुआ जो निकालेंगे तो उसकी बोटियाँ बहुत टेस्टी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, मैंने 10 मिनट तक भून लिया है, अब इसमें से कुछ मैं बोटियाँ निकाल लूँगी। ये देखिए 1 केजी में से मैंने इतने पीस निकाल लिए हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत बढ़िया। मेरे बेटा ऐसे ही खाता है, तो मैं उसे दे के आती हूँ तो फिर बनाते हैं। तो आलू भी मेरा गल गया था, मैंने निकाल लिया है, बाद में डालूँगी, क्योंकि पता नहीं था कि बेटा भी भुना हुआ खाएगा, तो मैंने आलू पहले ही डाल दिया था। तो वो ज़्यादा चिकन पकाने की वजह से तो फिर आलू गल गया है। तो फटाफट से चिकन बना लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल ली हूँ मैं, 1.5 चम्मच, चाय की 1.5 चम्मच, साथ ही हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डाला है मैंने। दो मिनट भून लेंगे, फिर बाकी के मसाले डालेंगे। तो चिकन हमारा भून चुका है हल्दी के साथ और लहसुन अदरक के साथ। अभी एक टमाटर बारीक काट के डाला है मैंने, धनिया पाउडर चाय की 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर चाय की 1 चम्मच, जीरा पाउडर चाय की 1/2 चम्मच, थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। मसाला भूनने तक अब पकाएंगे। फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है चिकन के साथ, आलू भी मैंने डाल दिया, अब पानी लगा देंगे। मैंने गर्म ही पानी डाला है, केक तो जल्दी बन जाएगा और दूसरा मसाले का टेस्ट खराब नहीं होता। तो 5 मिनट और पका लेते हैं, क्योंकि चिकन और आलू हमारा तो गल चुका है। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो चिकन बिल्कुल हमारा बन चुका है, अब थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच, छोटी 1/2 चम्मच डाला है मैंने, मिला देंगे। थोड़ा केवड़ा डालेंगे, खत्म ही हो गया, बस इसी के लायक था।
गैस को हम बंद कर रहे हैं। हरा धनिया आप डालेंगे, ढक देंगे कि खुशबू निकले ना। हरा धनिया आप डाल लेते हैं। ये देखिए, ये चिकन ना ग्रेवी वाला ही बनाया जाता है पुलाव के साथ। मैंने हरा धनिया 4-5 मिनट के बाद रुक के डाला है। अगर गरम गरम में डाल देते हैं ना तो इसका कलर चला जाता है, तो ये बिल्कुल हरा हरा रहेगा। तो चिकन तो हो गया हमारा तैयार, तो अब बना लेते हैं पुलाव। बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है चिकन पुलाव। मैं एक साइड नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए, तो इसलिए एक साइड मैंने ये चिकन बनाया, नहीं तो मैं दोनों एक साथ बना लेती हूँ। ज़्यादा आधे घंटे 20 मिनट में दोनों चीज़ें रेडी हो जाते हैं। पुलाव बना लेते हैं। गैस के ऊपर मैंने पतीला रख दिया है, तो सबसे पहले डालेंगे रिफाइंड ऑयल बड़ा 1 चम्मच। चावल मैंने लिया है 700 ग्राम, तो उसी के हिसाब से मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। और देसी घी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव में। चाय की दो चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है। कुछ खड़े मसाले, 1 चक्कर फूल लिया है मैंने, बड़ी इलायची, इसका मुंह खोल लिया है, 2 छोटी इलायची, दालचीनी इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया है, 1/2 चाय की चम्मच जीरा, और लौंग तो बिना गिनती के, सर्दी का दिन है तो ऐसे ही है, 6 है, और काली मिर्च थोड़ा सा, 1 तेज़पत्ता। तो सबसे पहले हम तेल में डाल देंगे, तेल गर्म हो गया था। 1 बड़ा प्याज, प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज देखिए हमारा ब्राउन हो गया है। चावल मैंने धो लिया है, ये कच्चे चावल हैं, ये तुरंत धो करके डाल देते हैं, इसे भिगोने की कोई जरूरत नहीं। सेला चावल होता है ना, तो उसे भिगोना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं बनने में बहुत दिक्कत देते हैं फिर। और इस रेसिपी में ना, ये पुलाव में कच्चे चावल का ही बनता है, पक्के चावल के अच्छे नहीं लगते। तो हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे चावल, नमक भी डाल देंगे इसी टाइम, स्वाद के अनुसार नमक। ये देखिए ये वाले चावल हैं बासमती, अच्छे बनते हैं। और इस पुलाव में ना घी ज़्यादा डाली जाती है और ना तेल, बहुत ही कम घी तेल में बन जाता है। तो अच्छे से चावल हमारा फ्राई हो गया है, ये देखिए। तब पानी लगा देंगे, 1 केजी पानी डाल ली हूँ मैं। पानी कुछ कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। मैंने 1 केजी से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला है। अब ढक देते हैं, नमक चेक कर लेंगे। मैंने गैस को मीडियम कर दिया है और चावल भी देख लेते हैं एक बार, चला देंगे। अस्सी % गल चुका है। फिर से ढक देंगे, ये सूख गया होगा, देख लेते हैं। पानी सूख गया है, बाकी की चीजें अब डाल लेते हैं। बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। अब मैं ये दूध उबला हुआ है, दूध डालेंगे। इसे ना बहुत खाने में बहुत ही मजा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये पुलाव। थोड़ा सा कलर, केसर भी डाल सकते हैं, जैसे दूध मैंने डाला ना, तो दूध में ही केसर को भिगो दें। मैं सोच तो रही थी लेकिन मैंने नहीं डाला, ये घोल चुकी थी थोड़ा सा मैं कलर। अब की बनाऊंगी तो केसर डालूंगी, तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब बस इसे ढक देते हैं और
तवा में रखूंगी अब गैस के ऊपर। तो ये देखिए मैंने दम करने के लिए रख दिया, तवा रख दिया लोहे का और गैस अभी तेज है। जब तवा गर्म हो जाएगा तो गैस हल्का कर देंगे। चावल क्योंकि अभी टाइट है, ये देखिए तो तवा गर्म हो चुका है, गैस को बिल्कुल हल्का कर दूंगी मैं। अब दम करने के लिए पांच मिनट लगेगा, 5 मिनट के बाद फिर खोल के देखेंगे। 5 मिनट हो गया फ्रेंड्स, देख लेते हैं चावल बिल्कुल सही, ये देखिए गल गया। तब गैस को बंद कर देते हैं। अब 5 मिनट के बाद थोड़े चावल ना और लंबे लंबे हो जाएंगे, अभी गर्म है तो टूट जाते हैं चावल। 5 मिनट के बाद फिर प्लेटिंग करते हैं। 5 मिनट हो गया है, प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए चावल बिल्कुल खड़े खड़े हो गए। तो पुलाव मैंने निकाल लिया है और चिकन, सिरके वाली प्याज, ये चिकन और ग्रेवी वाला, और ये पुलाव बहुत टेस्टी लगता है। और ये पुलाव तो आप मटन, अगर मटन के साथ भी अच्छा लगता है और चिकन के साथ भी अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाना, बहुत मजा आता है इसे खाने में। सेम बिरयानी से भी बहुत टेस्टी लगता है ये, मैं सच बता रही हूँ आपको, बहुत टेस्टी लगता है ये। कैसी लगी रेसिपी जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सच में आपको खाना बहुत पसंद आएगा, बहुत ज्यादा।